तो एक और नई वीडियो लेकर आ चुके हैं अंतिल कारकर का यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप देख रहे हैं ब्रांड फोर्ड की 10 इंची बेस ट्यूब और ये लगने वाली है जेसीबी में आपको वायरिंग करके, और जेसीबी में आपको पूरा दिखाया जाएगा कहाँ इसको प्लेस करेंगे, कैसे इसकी वायरिंग करेंगे, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। वीडियो में बने रहे लास्ट तक और देखते रहें। मैं इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ। अनबॉक्स करने के लिए इसको यहाँ से काटेंगे। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू फ्रेश पीस है बेस ट्यूब का, और इसको यहाँ से खोल लेंगे। एक बार इसको खोल लेता हूँ। ये खोल चुके हैं और ये 10 इंची बेस ट्यूब है ब्रांड फोर्ड कंपनी की। तो इसमें मतलब बेस काफ़ी अच्छा आता है। हमने पीछे सेंटर में भी लगाई थी, अल्टो में भी लगाई है, कल उसकी वीडियो नहीं बन पाई। इसको बाहर निकाल लेता हूँ, बाहर निकालने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू पीस है। ये इसका एम्पलीफायर है, ये इसमें फ्यूज़ दिया गया है, यहाँ पे कुछ कनेक्शंस दिए गए हैं। ये वॉल्यूम का है, ये फ्रीक्वेंसी का है, ये क्रॉसओवर है इसका। यहाँ पे आपको RC लीड देनी होती है जो कि स्टीरियो से आती है, और ये 12 वोल्ट पे वर्क करती है। और ये इसका एयर पास है इधर इधर वाली साइड में, और अब इधर वाली साइड से मैं दिखा देता हूँ आपको। ये इसका कुछ 10 इंची का सबवूफर होने वाला है। ये इसकी प्रोटेक्शन ग्रिल है, और ये लकड़ी में है, ये लकड़ी में है और डी शेप में है, या मतलब हिलती डुलती नहीं है। अगर आपने प्लेन सरफेस पर रखी हुई है तो ये ज़्यादा हिलती डुलती नहीं है, जैसे राउंड शेप में होती है ना, वो इधर उधर भागती रहती है। ये डी शेप में है, ये इधर उधर भागेगी नहीं, बांधने की जरूरत नहीं पड़ती है इसको। तो इसको एक बार जो है JCB में लगाने वाले हैं। JCB में लगाने के बाद आपको पूरा जो है दिखाया जाएगा, इसकी आवाज़ भी टेस्ट कराई जाएगी, और सॉन्ग पे इसकी आवाज़ हम शॉर्ट वीडियो में दिखाएंगे, बाकी NCS के म्यूजिक पे हम आपको दिखा देंगे। और बने रहे वीडियो में लास्ट तक और देखते रहे सीधा JCB में, अगर इसको इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो इसकी प्लेसिंग कुछ यहाँ पे की गई है बैक साइड में, और अगर आप इसकी आवाज़ सुनना चाहते हो तो जाके शॉर्ट वीडियो में जाके सुन सकते हो। और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब करें और अंतिल कारकर सपोर्ट बनाए रखें। थैंक